बढ़ते हैं यहां से अपनी अगली खबर की तरफ जो निकल के सामने आ रही है शुगर की यानी कि चीनी की। तो सहकारी चीनी मिले विभिन्न शर्तों के कारण कर्ज पाने में कठिनाई की शिकायत कर रही है, जिसे देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खामियां दूर करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन और वित्तीय सेवा सचिव संजय मल्होत्रा के साथ खाद्य एवं कृषि मंत्री के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया था। बहरहाल यह स्पष्ट नहीं है कि चीनी उद्योग के किसी प्रतिनिधि ने इस चर्चा में हिस्सा लिया है या फिर नहीं, लेकिन सूत्रों ने कहा है कि वित्तीय सेवा विभाग को कहा गया है कि वे मामले पर विचार करें और बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर काम करें, जिससे ज्यादा कर्ज मुहैया कराया जा सके। उद्योग के कारोबारियों का कहना है कि सहकारी चीनी मिलें कर्ज पाने में तमाम समस्याओं का सामना कर रही हैं, खास करके गोदामों में। गोदामों में पड़ी उनकी चीनी के एवज में कर्ज नहीं मिल रहा है और सहकारी मिलों ने इसके समाधान की सरकार से मांग भी की है, जिससे कि उन्हें गन्ना किसानों को समय से भुगतान करने में कोई समस्या ना हो। कुछ मसले एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने से संबंधित भी हैं, जिन्हें सहकारी मिलों ने उठाए हैं और इसकी वजह से भी उन्हें कर्ज मिलने में दिक्कत हो रही है। सितंबर से शुरू 2021-22 चीनी सत्र में भारत में करीब 350,000 टन चीनी उत्पादन की उम्मीद है और इसमें 35-40% हिस्सेदारी सहकारी क्षेत्र की होती है। तो यानी कि जिस हिसाब से चीनी मिलों को कर्जा लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसमें अब सरकार भी हस्तक्षेप करने लगी है, जिससे कि चीनी मिलों को कर्जा लेने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े और समय समय पर वक्त रहते हुए गन्ना किसानों का भुगतान आसानी से कर पाए। फिलहाल बाजारों की हलचल में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।